और राम दीवाने का और प्रभु दीवाने का और देखो कमाल रे वो लंका जलाई कैसे अंजनी का लाल रे लंका जलाई कैसे। हनुमान जी बताइए ना कैसे लंका जली। तो बोले सुनो तो सही बता रहा हूँ, प्रभु दीवाने का राम दीवाने का प्रभु दीवाने का राम दीवाने का रे देखो उठाए और मारे पीटे थे राक्षस सारे पीटे थे राक्षस सारे पीटे थे राक्षस सारे पीटे थे राक्षस सारे मेरी की थाल रे लंका जला राक्षस मारने के लिए, लेकिन रावण ने सोचा किसी बलशाली को भेजूं। मुझे मारने आया था मैंने अक्षय को मार दिया, फिर मेघनाथ ने आकर के मुझे ब्रह्म पास में बांध दिया। हनुमान जी को कोई बांध सकता है? नहीं, जो सूर्य को भी खा जाए तब तक कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी चाहते थे कि थोड़ी उससे तो मिलूं, उसको भी बता दूं राम जी के बारे में, सुधर जा।
मुझे मारने आया था, मैंने अक्षय को मार दिया, मेघनाथ ने आकर के मुझे राम है अब रखवाले तेरा वो काल रे लंका जला तुझको तड़फा के मारे रावण ने अकड़ दिखाई रे और सारे कपड़े बांध दिए मेरी पूंछ में आग लगाई रे हनुमान जी ने कहा ये सही है, अब तुमने जबरदस्ती मुझे छेड़ा है, अब तुम जबरदस्ती किसी को परेशान करोगे तो उसके भी दो हाथ हैं, उसके भी दो पैर हैं, तो वो भी रिएक्ट करेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जिस जिसके घर से कपड़े आए, जिस जिसके घर से ये सारा सामान आया है ना, और जिसने आग लगाई है, बेटा मैं तुम्हें देखूंगा। अब तो तुमने मेरी पूंछ में आग लगाई है, अब मैं तुम में से देखो किस किस को सबक सिखाऊंगा। तुझको तड़फा के मारे रावण ने अकड़ दिखाई रे, सारे कपड़े बांध दिए मेरी पूंछ में आग और फिर बोला रावण सुन, अरे बानर कह देना राम से जाकर के इतना ही बलशाली है तो छुड़ा ले जाए अपनी पत्नी को, और बात रही तेरी तो रावण बोला अब तुम हमारे बंधन में हो, अब बताओ क्या करें तुम्हारे साथ। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हनुमान जी बोले सलूक तो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, लंका जलाई सारी, लंका जला दी सारी, अग्नि विदराल रे लंका जला दी।